क्या आपको पता है एक एटीएम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होती है? सीवीवी नंबर जो होता है उस सीवीवी नंबर का फुल फॉर्म क्या होती है? पिन का फुल फॉर्म क्या होती है? डेबिट कार्ड में जो लोगो सा रहती है उसको क्या कहती है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो के आप जरूर अंत तक देखना। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुजीत और आज हम बताएंगे डेबिट कार्ड के बारे में। तो चलिए कुछ सीखते हैं। हम लोग जब भी एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने में, तब एक क्वेश्चन जरूर हमारे मन में आया होते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम से पैसा निकालने के लिए एक सीक्रेट पिन का जरूरत पड़ता है, उस पिन का फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आती है डेबिट कार्ड के बारे में। डेबिट कार्ड तीनों प्रकार होती है, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। ये मेरे पास एक डेबिट कार्ड है जो एक मास्टर कार्ड है और जिसका लोगो बना रहती है और ऊपर में देखती है आपको एक बैंक का नाम और नीचे अपना नाम लिखा रहती है, इसको कस्टमर होल्डर नेम कहती है। और इधर पर एक 16 डिजिट का नंबर होती है, इसको कार्ड नंबर कहती है, आपका डेबिट कार्ड नंबर। और नीचे आपका वैलिडिटी लिखा रहती है, बेसिकली वैलिडिटी 5 साल की होती है और इसको कहती है इंटरनेट लोगो। और अब आती है EMV चिप, ये क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आती है कार्ड का पीछे के हिस्से। कार्ड का पीछे के हिस्से में जो व्हाइट सा पैनल रहती है उसको कहती है सिग्नेचर पैनल, और उसके ऊपर एक ब्लैक सा पैनल रहती है उसको कहती है मैग्नेटिक स्क्रिप्ट, और एक व्हाइट पैनल के पास एक 3 डिजिट का नंबर रहती है उसको कहती है सीवीवी नंबर, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आती है EMV चिप के बारे में। EMV चिप का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन मास्टर कार्ड एंड वीजा, और इसका शुरुआत 1994 पर शुरुआत किया था और इंडिया में इसका शुरुआत रिजर्व बैंक ने किया था 2015 में 27 अगस्त पर शुरुआत किया था और इसका ख़त्म किया 31 दिसंबर 2018 पर इसको ख़त्म किया। और इसका काम है कार्ड का जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को स्टोर करके रखना, इसका काम है। और इससे पहले इसका काम करता था मैग्नेटिक स्क्रिप्ट, और अब मैग्नेटिक स्क्रिप्ट के मुकाबला ये ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है इसलिए इसको लगाया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी एक लाइक ठोकना और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू।